नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट एंड वैकेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आया है उसमें कितने पोस्ट हैं और वैकेंसी कितना है। दूसरा पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंट डेट्स। थर्ड पॉइंट हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। फोर्थ पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फी एंड सैलरी। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई, यानी कि सिलेक्शन हमारा कैसे होगा और हमें कैसे अप्लाई करना है इन सारे पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो कुल मिला के आप लोग देखें तो यहाँ पे 105 पदों पर वैकेंसी निकला है। और जो पोस्ट है वो पहला पोस्ट आपको मैनेजर डिजिटल फ्रॉड 15 वैकेंसी है इसके लिए। क्रेडिट ऑफिसर SMG S4 15 वैकेंसी। क्रेडिट ऑफिसर MMG S3 25 वैकेंसी। और ये जो है ना SMG S4 MMG S3 ये आपको ग्रेड हैं। और क्रेडिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस SMG S4 ग्रेड 8 वैकेंसी। फिफ्थ हमारा है क्रेडिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस MMG S3 ग्रेड 12 वैकेंसी, यानी 12 वैकेंसी। और फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर MMG S3 ग्रेड के लिए 15 वैकेंसी। और सेवेंथ हमारा है फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर MMG S2 ग्रेड के लिए 15 वैकेंसी है। तो ये तो आपको जितने पोस्ट हैं उसका डिटेल कि कितने पोस्ट हैं और हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला हुआ है। अब हम लोग जाके देख लेते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको मैं बता दूं कि जितने सारे पोस्ट हैं 7 पोस्ट हैं, तो 7 पोस्ट के लिए हम लोग बारी बारी से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट वगैरह देखेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है मान लीजिए, तो आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरा डिटेल मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग के लिए शुरू हुआ डेट वो 4 मार्च 2022 है। यानी कि हम लोग 4 मार्च 2022 से लेके 24 मार्च 2022 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ये था आपको इम्पोर्टेंट डेट्स। और हम लोग वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना डिटेल में कोई वीडियो नहीं बना के देगा एक एक पॉइंट को डिस्कस करके। और आज का हमारा वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500। हमें उम्मीद है कि आप लोग 500 से अधिक लाइक कीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से जितने पोस्ट थे उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देख लेते हैं। तो जो पहला पोस्ट था वो था डिजिटल फ्रॉड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट मैनेजर डिजिटल फ्रॉड MMG S2 इसका ग्रेड है। तो मैनेजर डिजिटल फ्रॉड के लिए जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर डेटा साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस IT या फिर डेटा साइंस में आपको BE या फिर BTech होना चाहिए। या ये नहीं है तो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड IT इन IT, मतलब कि BSc BCA या MCA में आपको कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। यह था आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैनेजर डिजिटल फ्रॉड के लिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है आपको मिनिमम एज लिमिट है 24 साल और मैक्सिमम है 34, यानी कि आपका न्यूनतम उम्र मिनिमम एज होना चाहिए 24 साल और अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज होना चाहिए 34 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग और वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट हमारा है उसके बारे में। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा वो है क्रेडिट ऑफिसर SMG S4 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर क्रेडिट ऑफिसर SMG S4। तो जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता वो है मैंडेटरी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे आके क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका मतलब यह कि आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और लेकिन ये प्रीफर करता है ग्रेजुएट तो होना अनिवार्य है, लेकिन किस में ग्रेजुएट होना है वही आपको अब बताएंगे हम लोग। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग फॉरेक्स क्रेडिट, यानी कि आपका जो डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट किस में, तो
फाइनेंस में, बैंकिंग में, फॉरेक्स में या फिर क्रेडिट में, और ये सब नहीं है तो साथ में आपको सीए या फिर सीएमए या फिर सीएफए का डिग्री होना चाहिए आपके पास। क्रेडिट ऑफिसर एसएमजी S4 ग्रेड के लिए ये था एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके लिए एज लिमिट है, आयु सीमा है, वो है मिनिमम है आपको 28 साल और मैक्सिमम है 40 साल, यानी कि न्यूनतम उम्र मिनिमम एज है 28 और मैक्सिमम है 40। ये था आपको क्रेडिट ऑफिसर एसएमजी S4 के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, और बाकी डिटेल हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग बारी बारी से पहले जितने पोस्ट हैं उसका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में। तो थर्ड पोस्ट हमारा है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर क्रेडिट ऑफिसर एमएमजी S3, ठीक है। इसके लिए जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सेम है, मैंडेटरी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, प्रीफर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग फॉरेक्स क्रेडिट, और सीए या फिर सीएमए या फिर सीएफए का डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसमें से आप सब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको बाद में देखना है कि क्या था एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। और इसके लिए क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड एमएमजी S3 के लिए जो एज लिमिट है वो है न्यूनतम उम्र मिनिमम एज 25 साल 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 साल यानी कि 37 ईयर होना चाहिए आपको इसके बीच में उम्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में जो हमारा फोर्थ है उसके बारे में, लेकिन आपसे जब पूछना चाहते हैं कि आप सब वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, हमें भरोसा है। इसी साथ हम इसी विश्वास से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो फोर्थ हमारा है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, सॉरी क्रेडिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एसएमजी S4 के लिए है हमारा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, प्रीफर्ड पोस्ट वही आपका जो है, और एज लिमिट हमारा है मिनिमम 28 साल से लेके मैक्सिमम 40 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। तो ये था हमारा क्रेडिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस एसएमजी S4 ग्रेड के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा हर एक पोस्ट को तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सब बोर हो सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पोस्ट हमारा जो है वो है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशन मैनेजर एसएमएमजी S3 ग्रेड के लिए। इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड सेल्स, ये आपको है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए है। तो क्रेडिट फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर ग्रेड एमएमजी S3 के लिए कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग या फिर सेल्स में, और इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 26 साल है और अधिकतम उम्र 40 साल है। और इसके जो लास्ट अब जो पोस्ट है वो हमारा है फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर एमएमजी ग्रेड S2, ये S2 के लिए है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग या फिर सेल्स, और एज लिमिट इसके लिए है 24 साल से लेकर 35 साल के बीच में। और आगे बढ़ते हम लोग जो नेक्स्ट हमारा है उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फी एंड सैलरी है, इससे इसको जानने से पहले हम लोग जो बाकी जितने पोस्ट उसको एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये था आपको फॉरेक्स एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर एमएमजी S2 के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे इसके पीछे था ये आपको जो था एमएमजी S2 वही था फॉरेक्स के लिए, उससे पहले था क्रेडिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस एमएमजी S3 के लिए, उससे पहले था हमारा क्रेडिट ऑफिस एमएमजी S3 के लिए, उससे पहले था क्रेडिट ऑफिसर एमएमजी S4 के लिए, और उससे पहले था हमारा था मैनेजर डिजिटल फ्रॉड के लिए। तो ये सारे था आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फ़ी एंड सैलरी। तो एप्लीकेशन फ़ी हमारा जो है वो है SC/ST पर्सन विथ डिजेबिलिटी PWD और वुमेन के लिए हमारा है 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी। और हमारा जो इसके साथ में आपको टैक्स एंड पेमेंट गेटवे चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट हैं पर्सन विथ डिजेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं वो, और साथ में जो हमारी बहनें हैं उन्हें 100 रुपया देना होगा एप्लीकेशन फ़ी, साथ में जो टैक्स है और पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। और जो जनरल हैं OBC हैं और EWS हैं उन्हें 600 रुपया देना पड़ेगा, साथ में आपको एप्लीकेबल जो टैक्स है वो
और पेमेंट गेटवे चार्ज देना पड़ेगा। तो ये था आपको एप्लीकेशन फ़ी जो सारे पोस्ट है उसके लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको, जिससे आगे आपको फ्यूचर में काम दें। और ये आपको सैलरी है, सैलरी आपको पोस्ट वाइज नहीं बताया जब बताया गया है यहाँ पे, आपको सैलरी ग्रेड वाइज बताया गया है। तो MMG S2 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं MMG S3 के लिए यहाँ लिखा गया, और SMG S4 के लिए यहाँ लिखा गया। तो आप लोग से देख सकते हैं जो आपका सैलरी है, आप लोग देख लीजिएगा कि किस ग्रेड के लिए, उसके सामने कौन सा जो पोस्ट था वो लिखा हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि हमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा और हमें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सिलेक्शन हमारा दो फेज में है, पहला होगा ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, मार्क हमारा 225 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होगा, और टाइम रहेगा 150 मिनट, यानी कि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाने हैं, और उसके लिए हम आपको 225 मार्क्स मिलेंगे। और अप्लाई कैसे करना है उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड कीजिएगा, और जो साइज होगा उसी के अंदर अपलोड कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सब अपना जो एप्लीकेशन फ़ी उसे सबमिट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करते वक्त में आप लोग केयरफुल रहिएगा अपने पेमेंट गेटवे के रिलेटेड, कि आपको कहीं ज़्यादा पैसा ना भरा जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नोटिफिकेशन था आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्पेशलाइजेशन ऑफिसर है उसके लिए। अब हम लोग जाके देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब लिखा हुआ है इसके बारे में। और लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही करंट नोटिफिकेशन मिलता रहे डिफरेंट कैटेगरी के जॉब के बारे में। और अगर आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता करना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप सबके लिए एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जाके देख लेते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुए है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे वो क्लियरली दिख जाए, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नीचे क्लिक कीजिएगा, नीचे अब स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट 4 मार्च 2022 से लेकर लास्ट डेट 24 मार्च 2022 लिखा हुआ है। आप नीचे जितने सारे पोस्ट हैं उसे देख सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आप वो भी जाकर देख सकते हैं आपका जो है। और नीचे क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको जो सैलरी था वो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पोस्ट है ग्रेड पोस्ट ग्रेड वाइज वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके नीचे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उन्हें एज जो छूट दिया जाता है एज रिलैक्सेशन उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में था, वहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं अगर पूरा बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सब फटाफट जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आकर अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली से वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें ही पता चले कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी आया है उसके लिए एक डिटेल वीडियो आ चुका है छात्र पैलेस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।